अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उबले आलू के बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आती है तो और झटपट से बनकर हो जाती है तैयार। तो आप उबले हुए आलू से ये टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कीजिएगा। तो देखिए, इसे नाश्ते को बनाने के लिए इधर ले लिए मैंने आलू उबले हुए, और इसमें डाल दिए अजवाइन, इसी में डाल दिए मैंने हरी मिर्च, और इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया, और थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी प्याज, और इसमें डाल देते हैं जीरा भुना हुआ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और देखिए, इसी में डाल देते हैं हम ये जीरा, ये साबुत जीरा है, और इसमें डाल देते हैं हम 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर, और ये डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से बनाइएगा। तो देखिए, इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं मैश, और मैश करने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया है हमारा, ये देखिए डोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम थोड़ा सा हम इसका डो लेंगे, और हाथ में इस तरीके से करते हुए, और हाथ को हम पहले थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि डो हमारे हाथ में ना चिपके। और देखिए, आप चाहे बेलन पर बनाइए, चाहे आप स्लिप पर बनाइए, इस तरीके से हम किसी भी शेप में बनाइए आप। मैंने देखिए इस तरीके से शेप दी है इसकी, आपको गोल शेप पसंद है तो आप गोल शेप में बनाइएगा। तो देखिए, मैंने स्क्वायर शेप में इसे कट किया है फ्रेंड्स। बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता है, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, आप ज़रूर से बनाइएगा इस रेसिपी को। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से कट करके हम रख लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए, सभी मैंने स्क्वायर शेप में कट करके रख लिया इधर। तो देखिए, ये ले लिया है मैंने एक अंडा, और अंडे में डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, और अच्छी तरह से फैट लेते हैं इसे, और इधर ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो देखिए, इधर हम दोनों चीज़ें रख ली हैं। और तो देखिए, ये इस तरीके से मैं क्यूब उठाऊँगी और अंडे में डिप कर लूँगी इसे, और डिप करने के बाद इसमें डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स के अंदर, और इस तरह से अच्छी तरह से चारों तरफ से हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स इस तरीके से। बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो देखिए, हम इस तरीके से लगाकर एक तरफ रख लेंगे। देखिए, मैंने सभी रख लिए हैं इस तरह से क्यूब, और इस तरीके से रखने से ये फ़ायदा होता है कि हम झटपट से बनाकर तैयार कर लेते हैं, टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, इधर ऑयल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है इधर। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, तो ये देखिए जो क्यूब्स हमने तैयार किए हैं, ये डाल देते हैं ऑयल के अंदर। तो देखिए, जितने आपकी कढ़ाई में क्यूब्स आए, आप उस हिसाब से डालिएगा। फ्रेंड्स, शाम को अगर आपको चाय पीने का मन हो, तो चाय के साथ में आप झटपट से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, चाहे आप नाश्ते में इसे बनाइए, दोनों टाइम में बहुत अच्छे लगते हैं, और बच्चों को तो ये फेवरेट हो जाएंगे, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम जैसे ही नीचे से सीख जाते हैं, तो इन्हें पलट लेते हैं, तो अच्छी तरह से इन्हें उलट पलट कर हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, इन पर गोल्डन कलर की हमारी स्किन इनकी होनी शुरू हो चुकी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2-3 मिनट में ही अच्छी तरह से सीख कर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, हमारे क्यूब्स अच्छी तरह से सीख कर हो गए तैयार। तो निकाल लेते हैं इन्हें एक प्लेट में। तो देखिए, इसी तरीके से सारे मैंने क्यूब्स बना लिए हैं। तो देखिए, कितना क्रिस्पी बना है ये, देखिए मैं फोक से आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी बना था फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने इसे सर्व किया है मेयोनीज और टमाटो सॉस के साथ। आपको जो अच्छा लगे इसके साथ, आप उसे सर्व कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना लाजवाब सा हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलती हूँ ऐसी नई कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।